लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे मैं कभी भी तुम्हें पहली पत्नी कहलाने का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें मेरी दूसरी पत्नी कहलाने में कोई एतराज तो नहीं है ना? काहे लेके गई थी राधिका को घर के समारोह में? जो हूं ना भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। राधिका से बात हो सकती है क्या? नहीं नहीं हो सकत है, वो इस वक्त घरमान नहीं है। इस वक्त वृंदावन से कौन आया था? और कौन मम्मी जी? आपकी होने वाली छोटी बहू और उसकी माँ। माँ? आप कब आई माँ? माँ डांडिया में सब आपका इंतजार कर रहे थे। माँ कुछ बोलिए ना। एक बात पूछनी थी तुझसे, मेरा आदेश तेरे लिए कुछ मायने रखता है या नहीं? ऐसा क्यों कह रही है माँ? आपकी हर एक बात मेरे लिए भगवान का आदेश है। अच्छा तो फिर राधिका को फंक्शन में क्यों बुलवाया था? मेरे मना करने के बाद भी क्यों मिला तू उससे? पर माँ मैं तो वृंदावन गया ही नहीं, राधिका यहाँ आई। दादी माँ ने आपकी बात का मान रखते हुए उसे यहाँ बुला लिया होगा। माँ सच में मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, मेरे लिए सरप्राइज था। माँ मैं राधिका से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, पर दादी माँ ने समझाया कि इसमें आपकी बात भी रह गई। मेरी बात कहाँ रही? मेरी बात बोलना, कहाँ रही मेरी बात? माँ बहुत विश्वास था अपने बेटी पर कि कम से कम मेरा बेटा मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा, लेकिन जब इस घर के बड़े ही मेरी बात का मान नहीं रख सके तो तुझसे क्या शिकायत करूं? अरे माँ, माँ फिर मेरी बात तो सुनिए। दादी माँ ने आपकी बात रखी है, तभी तो मैं वहां नहीं गया और राधिका यहाँ। अरे बात तो एक ही हुई ना देव, मिल तो लिया ना तू राधिका से? पर माँ आप मुझे बिना किसी कारण राधिका से मिलने से क्यों रोक रही है? कारण तो था देव, जिसे ना तो आज तक तू समझ पाया ना इस घर में कोई और। किसी को मेरे भावनाओं की कदर ही नहीं है इस घर में। हर कोई यही सोचता है कि बिना कारण मैं अपनी बात किसी पर थोप रही हूँ। ठीक अगर ऐसा है तो मैं अपना आदेश वापस लेती हूँ, फिर जो मर्जी मैं कर, जब चाहे तू वृंदावन जा सकता है। अब राधिका से मिलने की कोई मनाही नहीं है तुझे। पर मत, आप जानती हैं मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको नाराज किया। नाराज नहीं हो रहे, नाराज नहीं हो तुझसे। हो सकता है तेरी दादी जितना प्यार ना करती हूँ तुझसे, लेकिन अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ और कभी भी तेरी खुशियों के रास्ते में दीवार नहीं बनूंगी।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रणाम चाची। जी तेरा। लो शुरू करो। माँ, मैं नाश्ता खत्म करके ऑफिस जा रहा हूँ। अगर आपको कोई काम हो तो ऑफिस के नंबर पर फोन करके आप मुझसे बात कर सकती हैं। तू जूस लेगा या कॉफी? मैं जूस पीऊंगा। माँ, मैं सीधे ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस से सीधा घर। जानती हूँ तू कहाँ नहीं जाने की बात कर रहा है, लेकिन देव, मैंने तो अपना हुक्म वापस ले लिया है। तू वृंदावन जा सकता है। और ऑफिस का काम विवेक मंगवा लेगा घर पे। वैसे भी राधिका को डांडिया में बुलवाने का फैसला तुम्हारा थोड़ी था। तुमसे नाराज होकर क्या करूंगी? मैं जानता हूं माँ कि आप नाराज नहीं है, पर फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। तूने इतना कह दिया, यही काफी है बेटा। पर तू अगर वृंदावन जाना चाहे तो शौक से जा सकता है। तू सच में? मां, पर फिर भी मैं पहले ऑफिस ही जाऊंगा। हेलो, क्या हुआ राधिका, तुम ऐसे हाफ क्यों रही हो? नहीं, वो मैं बाहर थी, आपका फोन आया इसलिए दौड़कर। इसका मतलब जितना मैं बेचैन तुम भी उतनी ही बेचैन है ना? बोलो ना, यही सच है ना? बस राधिका, अब तुम्हारी और हमारी बेचैनी का अंत होने जा रहा है। जी? हाँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। सच? हाँ राधिका, उसी जगह पर कल की तरह इंतजार तो नहीं करवाएंगे ना? देख लेना, इस बार मैं इंतजार करूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको इंतजार नहीं करवाऊंगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं। मिलते हैं। आपने ऐसा क्यों किया मम्मी जी? क्यों, क्या हुआ? आपने देव को राधिका से मिलने की परमिशन क्यों दी, ये जानते हुए भी कि ये गलत है? इसमें गलत क्या है? मम्मी जी प्लीज, आपने कुछ सोच समझ के ही देव को राधिका से मिलने के लिए मना किया होगा, है ना? हाँ किया था, पर हुआ क्या? मेरी बात मानी किसी ने? मेरा हुक्म ना मानने का एक बहाना ढूंढ लिया गया, पर बेटे की नजर में बुरी तो मैं ही बनी ना। अपनी बात मनवाने के लिए मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं कर सकती।
ऐसे भी हो ही जाएगा मम्मी जी, राधिका से शादी होते ही। तब तो उसे और नहीं पता चलेगा कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत। क्या करूं? कभी कभी अपने बच्चों के लिए माँ को हारना ही पड़ता है मम्मी जी। लेकिन आप सिर्फ देव की माँ नहीं है, आप एक राज पुरोहित की माँ है। आप सिर्फ अपने बेटे के बारे में नहीं सोच सकती मम्मी जी, आपको एक राज पुरोहित और उसके वंश के बारे में भी सोचना ही होगा, और आप सोच रही हैं। बिल्कुल सही कर रही हैं, फिर ऐसे इमोशनल क्यों हो रही हैं? मैं तो और क्या करूं, मैं रोक दीजिए ये शादी। हाँ मम्मी जी, आप खुद ही सोचिए, किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी करके देव का वारिस आपका पोता वर्ण शंकर कहलाएगा। पूजाओं से निकाला जाएगा मम्मी जी, पूजाओं से निकाला जाएगा। कोशिश तो की थी मैंने, कोशिश की थी शादी को रुकवाने की, लेकिन हुआ क्या, किसी ने बात मानी नहीं, अपने आप को एक रस्म से अलग रखना चाहा, तो माँ जी मेरी जगह वो रस्म करने को तैयार हो गई। नहीं, नहीं रुकवा सकती मैं ये शादी। सही कह रही है मम्मी जी, आप ये शादी नहीं रुकवा पाएंगी। अरे आप तो क्या, देव दादी माँ कोई ये शादी नहीं रुकवा सकती। इस शादी को अगर कोई रुकवा सकता है तो वो सिर्फ एक इंसान है। कौन? खुद राधिका। जाइए मम्मी जी, आप राधिका के पास जाकर उसे अपना देह वापस मांग लीजिए, और जितना मैं उसे जानती हूँ वो आपको मना नहीं करेगी। बुरी लड़की नहीं है वो, अच्छी लड़की है, देव से प्यार भी करती है। इसलिए देव और उसके परिवार के लिए क्या सही और क्या गलत ये सोचना भी उसका फर्ज है। जाइए मम्मी जी, जाइए और राधिका से अपना देव वापस मांग लीजिए। मम्मी जी आपको राधिका के सामने हाथ फैलाना ही होगा। सोच रही है मम्मी जी? कुछ नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुमसे बाद में बात करती हूँ इस बारे में। जी सवा 5 लाख गया डोनेशन, तो इसका टैक्स बेनिफिट 62,000, 62 और 64 का हो। बड़ी बहू दाना डाल दिया? दाना तो डाल दिया चाचा जी, लेकिन डैम में चिड़िया ने दाना लिया ही नहीं, फिर गड़बड़ हो गया। एक बार शुरू में गलती हो जाना तो आगे सब गलते गलत हो जाते हैं। बड़ी बहू, विशाखा को बहकाना जितना आसान था ना, राधिका को बहलाना उतना ही मुश्किल होने वाला है। राधिका नाम की प्राणी बहुत समझदार, बहुत हिम्मती और बहुत संस्कारी लड़की है, और अगर ऐसे ही सब कुछ गड़बड़ चलता रहा ना, जैसे हमारा हिसाब गड़बड़ा रहा है, तुम जानती हो क्या होगा। नहीं चाचा जी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, लेकिन इस घर को छोटी बहू का सुख नहीं मिलेगा।
वैसे क्या हो गया? माँ मैं अपने ऑफिस का काम खत्म करके माँ अरे दे भैया ये जरा ये डिजाइन जरा मिला के देखिए कैसा है। छोड़ माँ कहाँ है? माँ जी पता नहीं दोपहर से हमें भी दिखाई नहीं दी, कहीं कुछ काम है क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे दे भैया डिजाइन तो देख लीजिए। आदि माँ फिर गड़ी आएंगी। 5:15 पे 62 का बेनिफिट मिलना चाहिए, वो तो आपने सो ही नहीं किया यहाँ पे। हम जब से हिसाब में माथा पच्ची कर रहे समझे नहीं, तो उसको मैनेज करिए ना। क्या हो गया दे? किसे ढूंढ रहे? माँ को ढूंढ रहे। पता ही नहीं कहाँ है। आप जानती कहाँ है? अपने कमरे में हो पेरेंट्स? नहीं भाभी बुआ नहीं है, मैं हर जगह ढूंढ चुका। किसे ढूंढ रहा है रे? दादी माँ मैं कब से माँ को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं मिली नहीं थी। अरे कहीं गई होंगी बाहर, आ जाएंगी, परेशान क्यों हो रहा है? दरअसल दादी माँ मैं वृंदावन जाना चाहता था, माँ से पूछना चाहता था कि मेरे ऑफिस का सारा काम निपट चुका है तो क्या मैं वृंदावन जा सकता हूँ? अरे तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, चला जा, तेरी माँ को मैं बता दूंगी। और फिर सुबह ही तो कहा था उसने कि तेरे वृंदावन जाने से उसे कोई परेशानी नहीं है। और नहीं तो कहा? अरे हुक्म तो सवेरे टूट गया ना। जाओ बेटा तुम जाओ जाओ, तो बुरा नहीं मानेंगी, और अगर मान भी गई तो हम है ना, हम सब जा लेंगे, उनको मानती हमारी बात। तो दादी माँ मैं जाऊं? चला जा। अरे अब जा भी, मैं बता दूंगी तेरी माँ को। वैशाली फिर से कहीं मुझे ही ना गलत समझे। इंतजार नहीं करवाऊंगी, पर लगता है आप तो समय से पहले ही पहुंच गए। मैं बस निकलने ही वाली थी। राधिका, वैशाली बोल रही। राधे राधे, कैसी हैं आप? मुझे तुमसे मिलना है राधिका, मैं यहाँ वृंदावन आई हुई। आप वृंदावन में हैं? तो घर आइए ना। नहीं, मुझे तुमसे जो बात करनी है वो तुम्हारे घर पर नहीं की जा सकती, और ना ही फोन कर, इसलिए तुम यहीं चली आओ। बात बहुत जरूरी है राधिका, इसलिए अभी मिलना पड़ेगा। जी मैं आ जाती हूँ। और हाँ राधिका, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आई हूँ, और ना ही ये कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा।